कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। मैं प्रीति अरोड़ा फोक जर्नलिस्ट से और आज हम मिलने आए हैं अंजना राजल जी से, जो कि फैशन आइकॉन मिसेज इंडिया अभी अभी विन किया जिन्होंने, और अभी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ये टाइटल ये विन किया है। तो आइए हमसे कुछ बातें करते हैं शुरुआत। हेलो मैम, कैसे हो आप? पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कैसे आपने ये जो आपकी ये जर्नी है, जो आपने स्टार्टअप किया, पहले सबसे स्टार्टिंग से बताइए कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्टअप का ऐसे है कि जब मैं कॉलेज में थी तो सबका एक जैसे मन में होता है कि जब भी आप क्राउन देखते हो, टीवी में देखते हो, तो आपको लगता है कि ये क्राउन मुझे भी चाहिए। तो एनी हाउ लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि शादी से पहले ये सब करने का, क्योंकि पढ़ाई की उसके बाद एकदम से शादी हो गई, सब हो गया। तो उसके बाद भी मन में एक इच्छा थी कि हाँ मुझे ये करना है, क्राउन एक चाहिए मुझे। तो मैंने लॉकडाउन के ड्यूरिंग ही सबको टाइम मिला जैसे लाइफ के बारे में सोचने का कि हमें क्या करना है, अदरवाइज तो आई एम ए बिजनेस वूमेन, तो बिजी रहते हैं, शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है अपना। तो ड्यूरिंग कोविड जो है थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी हॉबीज़, अपने जो ड्रीम्स के बारे में सोचने का टाइम मिला मुझे। तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग पंजाब का मिसेस प्लस मुटियार कॉन्टेस्ट हुआ था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मुझे मिसेस ग्लोइंग स्किन का टाइटल मुझे मिला, एंड आफ्टर दैट मिसेस चार्म ऑफ इंडिया में मैंने इंडिया लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें आई वॉज इन टॉप 10 में, मैं 6th पोजिशन पे थी और मुझे मिसेस विवोशियस का टाइटल मैंने उसमें विन किया। उसके बाद से मुझे लगा कि यस, मतलब कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि मिसेस कैटेगरीज में भी अब काफ़ी जो है हमें एनहांस कर रहे हैं, जैसे इंडिया लेवल पे काफ़ी कंपनीज हैं जो प्रमोट कर रही हैं। तो उसके बाद मैंने मिस इंस्पिरेशन इंडिया में पार्टिसिपेट किया, डायरेक्ट मेरी एंट्री फिनाले में हुई उसमें, और आप विनर रहे हो। जी जी बिल्कुल, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए कि आपने विन किया। जी जी हमारे, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज इस फील्ड में अब सोचती हैं कि हम इस फील्ड में जाएं। जी जी। तो आपके हस्बैंड का क्या योगदान है इसमें, कि उन्होंने आपको कैसे, आपके जैसे कहते हैं एक आदमी के बैक के पीछे जो लेडीज होती है, तो आपकी इस सफलता के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है? बिल्कुल है, नॉट हस्बैंड का नहीं, बिकॉज वो तो मुझे हमेशा ही प्रमोट करते हैं कि जो तेरा मन करता है। जब से शादी हुई है तो उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं रोका, बिजनेस भी। आपको पता है कि अगर कोई भी काम आप करते हैं बीइंग मैरिड, तो क्या होता है कि अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट आपको नहीं है तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी मैं अपनी मदर इन लॉ को, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो काम हमने लाइफ में नहीं किया, अगर तेरा मन करता तो डेफिनेटली आप उसके लिए जाओ। मेरी डॉटर है, वो बहुत एक्साइटेड रहती है कि मम्मा आप हर जगह पे विन करते हो तो आप ये भी विन करके आओगे, मुझे पता है। जैसे ही मैंने कॉल किया घर, तो शी वाज लाइक मम्मा क्राउन मिला आपको? तो मैंने बोला आपको कैसे पता? शी सेड कि मुझे पता है कि आप विन करके आओगे। तो पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ये दिल्ली में हुआ था? जी जी, इंडियन इंस्टीट्यूशन। ओके, तो आपने कितने गैप के बाद, मतलब कि आपकी मैरिज हुई है ना, उसके कितने गैप के बाद आपने ये स्टार्टअप किया? आई एम 15 इयर्स, 15 साल के बाद, एक बहुत बड़ा गैप है। जी जी। तो वैसे बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ हेल्प करती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं, मेरा खुद का बिजनेस है। ओके। मैं वेट एंड हेल्थ एंड वेट लॉस मेंटोर भी हूँ, बिजनेस वूमेन हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए जो भी कर सकती हूँ करती हूँ, और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मोटिवेट करती हूँ लोगों को। तो वेट भी लूज करवाती हैं आप? बिल्कुल, लोगों का वेट लूज करवाया है। अभी मैंने जो ये वेट लॉस का है वो मैंने लॉकडाउन में ही शुरू किया है, तो अभी 10-15 का मैं करवा चुकी हूँ, एंड मैक्सिमम जो मैंने है वो 18 kg जो है लूज करवाया है। आपने अपना भी वेट लूज किया? जी जी, इसके लिए मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन सबने वेट, क्योंकि खूब खाया है सबने घर में बैठ के, तो मैंने खुद का भी मतलब 8 kg इस कॉन्टेस्ट के लिए लूज किया है खुद का।
अच्छा, आप इस फील्ड में आए हैं ना, आपने यहाँ पे शुरुआत की, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको भी पता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने बोलने का तरीका, ये इस पे आपने कैसे वर्कआउट किया, क्या किया आपने इसमें आने के लिए, इस लाइन, इसमें मॉडलिंग की लाइन में आने के लिए? इसमें आने के लिए तो सबसे पहले तो थोड़ा मैंने अपने वेट के ऊपर, फिटनेस फ्रीक तो मैं शुरू से ही हूँ, 15 ईयर्स हो गए मैं रेगुलर जो है वर्कआउट करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, वो मैं नहीं मिस कर सकती। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी मैं घर पे भी मतलब अपना जो भी है वो करती थी। तो उसके बाद का है ऐसा कि बॉडी लैंग्वेज की बात है तो जैसे ग्रूमिंग, आपने ग्रूमिंग लिया? जी जी, नहीं, नहीं, अपने, नहीं अपने आप से ही, अपने मेरी डॉटर मुझे बहुत मॉडल, वो छोटी है लेकिन कहती मम्मा मैं वॉक आपको बताती हूँ, मतलब आपके घर से ही, घर में ही, घर में मेरी मदर हेल्प करते थे कि तुम चल के दिखाओ, हम बताते हैं तुम्हें कैसे करना है, तो घर में ही ग्रूमिंग मेरी जो है हुई है। तभी कह रही हूँ कि फैमिली की सपोर्ट के बिना शायद ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। ये बहुत अच्छी बात चली है आपने कि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता, कि आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया। yes. तो इसके अलावा आप और क्या, मतलब कि आगे इन फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में अभी तो जैसे अभी मैं फिनाले से वापस आई हूँ, तो मिसेज इंटरनेशनल जो दुबई में हो रहा है उसके लिए मेरी फिनाले में एडमिशन अभी हो चुकी है, और बाकी है कि सोसाइटी के लिए जो है मैं सोशल वर्कर हूँ, तो जितना हो सकता है मैं सोसाइटी के लिए, मतलब क्या करते हैं सोशल वर्क में? सोशल वर्क में आई एम वर्किंग फॉर द स्पेशली चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे समर्थ है सेक्टर में। किसी एनजीओ से जुड़ी है मैम आप? पर्टिकुलरली मैं किसी स्पेशली एनजीओ का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहते हैं, लेकिन मैं रेगुलरली विजिट करती हूँ समर्थ में, यहाँ पे ओल्ड एज होम है सेक्टर 23 में, फिर मदर टेरेसा मिशनरी है, तो उसमें आप रेगुलरली जाती, जाती हूँ, और बच्चों को जैसे नहीं एक कहने का होता है, एक जाती है मीन आप? बिल्कुल बिल्कुल जाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमने रिसेंटली 32 सेक्टर में जो डॉक्टर्स, डॉक्टर रवि गुप्ता हैं, डायरेक्टर हैं 32 हॉस्पिटल के, वहाँ पे भी संकल्प एनजीओ के साथ हमने अभी आई थिंक मंडे को ही हमने एक इवेंट किया है कि कोविड जैसे अभी वैक्सीन को लेके लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो हमने एक वहाँ पे एक्टिविटी की है जिसमें हमने बताया है लोगों को कि वैक्सीन जो है फुली टेस्टेड है, ट्राई की हुई है, तो लोग डर रहे हैं कि नहीं हमने वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो उसको लिए अवेयर करती है। जी जी बिल्कुल, हम संकल्प एनजीओ और डॉक्टर रवि गुप्ता के साथ मिलकर हमने एक एक्टिविटी वहाँ पे करी है, तो उसमें हमने मैसेज दिया है सोसाइटी को कि आप बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं, वैक्सीन के लिए प्रॉपरली जाएं, ये नॉर्मल है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मैम आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, चलो आपने तो किया ये है ना, आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, एक आपकी मदर कह रहे हो, मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, आपका साथ दिया। एक मीडियोकर फैमिली की लेडीज जो इस फील्ड में आना चाहती हैं और घर पे ही बैठ गई हैं, तो मीन्स उसके लिए मतलब कि आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो कैसे आए, मीन्स उनको कैसे आप अपना अपने जरिए बताना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि हमें लगता है कि शादी के बाद जो है वो लाइफ जो है वो खत्म हो गई। हाँ, क्योंकि हर लेडीज यही सोचती है, ऐसे ही लगता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमारा जो है लिमिटेड जो है यही सर्कल है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ड्रीम्स हैं, सबसे पहले तो गोल सेट कीजिए कि आपको वाकई में वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शिद्दत से अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं, तो गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि यस आई वॉन्ट दिस। मुझे लगता है कि अगर आपका गोल सेट है, आप फोकस्ड हो, तो आपकी फैमिली सब अपने आप आपसे जुड़ने लग जाते हैं। पहले सबसे पहले अपना फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ही मैसेज है मेरा, जो जितनी भी वुमेन्स मुझे शायद अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी है, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ लाइफ में मेरा है कि जब गोल आप सेट कर लेते हैं तो कहते हैं कि मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं तो हम फाइटर हैं, और फाइटर हमेशा जीतता है। नहीं तो ये तो आपने चलो बोला कि हाँ ये है आपको करना चाहिए, मीन्स अगर क्या कहते हैं, अगर आपको लेडीज को आपको अवेयर करना हो तो आप क्या क्या बोलेंगे कि क्या कहेंगे कि लेडीज इसमें जरूर आए, ये फील्ड कितनी अच्छी है, कितनी सेफ है उनके लिए, फ्यूचर के लिए, कैसे उनके लिए, इसमें कहाँ तक वो जा सकती हैं, तो आप ये बताएं जरूर हमारी। बिल्कुल सेफ है जी, आपका माइंड सेटअप क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और गोल लेके चले, और मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी वाइज ऐसा कुछ है, मतलब कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड।
अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और सेफ्टी का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जहाँ पे गलत होना है तो ये इस लाइन में नहीं होना, वो कहीं भी आपके साथ गलत हो सकता है। कई लॉज कहते हैं कि हमारी बहुओं के लिए बेटियों के लिए ये लाइन अच्छी नहीं है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगी कि ये सारा माइंड सेटअप है ना, अगर आपके साथ आपने कुछ गलत करना है, आपके साथ कुछ गलत होना है, तो वो कहीं भी हो सकता है। यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर्स, यू कैन सी इन द मीडिया, बहुत कुछ हो रहा है बाहर, तो आप किसी लाइन के साथ किसी आप ये कहना चाहती हैं लाइन सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल, लेडीज के लिए बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। आपका नजरिया कैसा है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और कैसे इस चीज के बीच में आप अपने आप को मैनेज करते हैं। देखिए हर जगह पे ऊपर नीचे सब जगह पे होता है, लेकिन आपने अपनी पोजीशनिंग कैसे करनी है, अपना ऑरा कैसे क्रिएट करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो एक लाइन में आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हस्बैंड या मैरिड वुमेन के लिए कहूँगी, हस्बैंड के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे ही अपनी वाइफ को, वैलेंटाइन डे अभी अभी गया है, तो जिनके भी सपने हैं क्राउन जीतने के या लाइफ में कुछ भी करने के, प्लीज उन्हें सपोर्ट करें वैलेंटाइन में। लॉकडाउन आपके लिए पॉजिटिव रह गया? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग ये रहा है। और मैं कहती हूँ कि फ्लावर बुके देने से या रिंग देने से अच्छा है उनके सपनों को अगर आप पूरा करने में उनको सपोर्ट करते हैं, तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। और वुमेन्स के लिए एक छोटा सा मैसेज अगर आप चाहे तो मैं एक मैसेज एक छोटी सी मतलब सॉन्ग के साथ देना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अंजला राजू मैम, जिन्होंने लेडीज को इंस्पिरेशन करने के लिए कहा कि वो जरूर इस फील्ड में आए और किसी से भी डरे नहीं, घबराए नहीं, और ये लाइन सबके लिए सेफ है। और